मेरा नाम पास्टर राज मैसी है जी। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि इन दिनों में अचानक से क्रिश्चियंस के ऊपर जो सताव हो रहा है जो शुरू हुआ है, हम उसको रुकवाना चाहते हैं गवर्नमेंट के जरिए, क्योंकि हम लड़ाई झगड़ा तो जानते नहीं है, हम सिर्फ शांति से काम करते हैं। हमारा काम है प्रार्थनाएं करना और लोगों को अच्छा जीवन देना। प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। और एक यहाँ पर हम सब मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि बहुत दिनों से हमारे देश में मसीहों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, MP में, UP में और बहुत सी जगह इस तरह से काम कर रहे हैं कि घरों में घुसकर मसीहों को मारा जा रहा है, सामान तोड़े जा रहे हैं और पीटा जा रहा है और बहुत बुरी तरह से गाली गलौज तक उनको दी जा रही है और धमकियां दी जा रही हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार तक आवाज़ पहुंच नहीं रही है, इसलिए हम सब ने मिलकर ये सोचा कि हम प्रोटेस्ट करें जंतर मंतर पर आकर और अपनी आवाज़ को उठाएं, गवर्नमेंट तक पहुंचाएं ताकि इस सताव को रोका जा सके, क्योंकि हम लोग माइनॉरिटी में हैं, इसी वजह से हम सताव सह रहे हैं। हम ना हथियार लेकर चलते हैं, ना हमारे पास लाठी डंडा कुछ नहीं होता, हम सिर्फ बाइबल लेकर चलते हैं और प्रचार करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग चंगाई पाते हैं और वो विश्वास में आ जाते हैं। हम पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पर तो हम देखते हैं उनके पास कोई सबूत ही नहीं होता जिसका वो इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हैं। अगर कोई सबूत हो तो बात भी हो, लेकिन कोई सबूत नहीं है, ऐसा कुछ भी उनके पास नज़र नहीं आता कि पैसे देते हुए पकड़े गए हों या कुछ लिखा पढ़ी हो रही है, कुछ भी उनके पास नहीं होता। लेकिन फिर भी वो बहुत ही शक्तिशाली तरीके से धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर हम लोगों को सता रहे हैं। इसीलिए हमने ये मुनासिब समझा, ये हमारे लिए उचित रहा कि हम लोग यहाँ पर आकर अपनी आवाज़ उठाएं और हम गवर्नमेंट तक, सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ ताकि यह आवाज़ जब वहाँ पर पहुँचे तो ये सताव रुक सके। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इस बात को जान सकें कि हम लोग किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सब हमारे साथ शामिल होइए क्योंकि अब हमारा एकजुट होने का समय आ गया है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।